वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू के एस एजुकेशनल। मैं सुप्रवीन आप लोगों के साथ 5th ऑफ सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट और भी टॉपिक जो रिलेटेड होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, को रिलेट करके आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप अगर के एस एजुकेशनल को फेसबुक पेज पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैंने आपके लिए रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही किस शहर के लगभग 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मेंशन कर दिया है कि ना कोई इसमें पॉलिटिकल पार्टी इंटरफेयर करेगा, ना ही कोई और अदालत इसमें इंटरफेयर करेगा। और ये जगह कौन है? दिल्ली है। अब दिल्ली जैसे ही आता है तो दिल्ली से रिलेटेड कुछ और सवाल आपके मन में आ जाना चाहिए, लाइक दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन है? तो अरविंद केजरीवाल हो गए। दिल्ली के गवर्नर कौन हो गए? तो विनय कुमार सक्सेना हो गए। और दिल्ली का कैपिटल आपको पता है। लेकिन जब दिल्ली आ जाता है तो दिल्ली से रिलेटेड और भी सवाल कि दिल्ली में आखिर कुछ इंपॉर्टेंट जगह है वो कौन कौन सा है? तो दिल्ली के कुछ इंपॉर्टेंट जगह हो गए आपके रेड फोर्ट हो गया। रेड फोर्ट के बाद आपका हुमायूं टॉम हो गया, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, पुराना किला, जामा मस्जिद, लोधी टॉम, हौज खास, फिरोजा सा कोटला, सफदरजन, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, तुगलकाबाद फोर्ट, लोटस टेंपल, मेहरुली आर्कियोलॉजिकल पार्क, हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह, जनपद, छोटा कुतुब मीनार। तो ये कुछ जगह आपके दिल्ली में हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनियों का प्रदेश में सीधा टेंडर डालने पर रोक लगा दिया है? और यह राज्य सरकार कौन है? ये राज्य सरकार आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जैसे ही आया तो मन में आ जाना चाहिए कि कैपिटल क्या है? लखनऊ है। गवर्नर कौन है वहाँ के? आनंदीबेन पटेल हो गया। और चीफ मिनिस्टर तो आप सबको पता है, योगी आदित्यनाथ। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश आया ये भी मन में आना चाहिए कि वहाँ से कौन कौन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। तो दूधवा नेशनल पार्क हो गया, और फिर पिलभित टाइगर रिजर्व है, ठीक है, चंबल सेंचुरी है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कुछ ऐसे 5 हैं वहाँ पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको दिमाग में आप रखिएगा। हाल में ही किस देश के एक शीर्ष अदालत ने जो हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने का घोषणा किया है? हालांकि काफ़ी अभी ये न्यूज़ में रहा भी था, और ये देश आपका बांग्लादेश है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, भारत और रूस के बीच हाल में ही किस नए राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दिया गया है? और भारत और रूस के बीच हाल में ही किस नए राइफल का ये जिक्र किया गया है? तो ये है AK-23। AK-47 के बाद अब नया आ गया AK-203। अब आता है आपके पास सवाल कि किस राज्य सरकार ने हाल में ही रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? और ये आंध्र प्रदेश है। हालांकि आंध्र प्रदेश में ये चीज़ को बैन किया गया है, और आंध्र प्रदेश जैसे ही आपके मन में आता है तो ये आ जाना चाहिए कि कैपिटल उसका क्या है? अमरावती हो गया। गवर्नर कौन है? ये हरी चंदन है। और चीफ मिनिस्टर वहाँ के GS जगन मोहन रेड्डी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है जो कि आपके दिमाग में रहना चाहिए। पापी कोंडा नेशनल पार्क हो गया, और इसके साथ राजीव गांधी नेशनल पार्क हो गया, श्री वेंकटेश्वराया नेशनल पार्क भी वहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे बोर्ड ने के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हालांकि ये फर्स्ट टाइम हुआ जब CEO का पद भी वहाँ पर लाया गया है। और ये पर्सन कौन है? विनोद कुमार यादव है। और रेलवे के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब CEO का पद को सृजित किया गया है। तो विनोद कुमार यादव चेयरमैन और CEO दोनों के पद को संभालेंगे वहां पर। अभी भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? देखिए, भारत और
ये रूस के बीच हुआ है। हालांकि जो इंद्र युद्ध अभ्यास है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जो दो ये युद्ध अभ्यास एक्चुअली 2005 से ही चल रहा है और 2017 के बाद से 2 वर्ष में एक बार संयुक्त रूप से तीनों सेना का अभ्यास इसमें जो इंद्र अभ्यास है इसमें आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, रूस ने निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म सप्लाई का जो पॉलिसी है वो रूस ने किसके साथ ये जारी रखेगा, और ये कौन है आपका पाकिस्तान। किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड के छपाई पर प्रतिबंध लगाया है। एंड दिस इज वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। और ये देश कोई और नहीं बल्कि अपना भारत है। एक्चुअली भारत सरकार के लागत को कम करने के लिए और डिजिटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए इन सभी चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और प्लीज़ आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज यू नो शेयरिंग इज केयरिंग, एंड डू लाइक इफ यू आर गेटिंग बेनिफिट। और नोटिफिकेशन बेल और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिएगा ताकि आने वाले मेरे वीडियोस का आप लोगों को पता चल पाए। सो थैंक यू, एंड आप जितना अधिक मेहनत कर सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो प्लीज़ मेहनत कीजिए।